दिया करता पता क्या बीजेपी से गंदी कोई पार्टी को नहीं हो, अगर जो कोई सुनता हो तो उसमें बच के रही हो, और वो खुद आज उसी ने ज्वाइन करने लग रहे है, तो मैं उस आदमी में अच्छा को मानू, वो तो आगे उसकी समझ है। अपने गांव में तो मतलब जीत का चांस कम है यार। अच्छा, फिर ये बदलू सौदा हो रहा है, कदे बीजेपी ने मारी बताओ, कदे गेमी बताओ, कदे गेम बताओ, उसके खिलाफ मैं इस गेंद में कन्नी गोंद क्या मुझको मार गए। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं काली रावण गांव के अंदर, जहां आदमपुर हल्के के अंदर ही आता है। आज यहां बैठे हैं ग्रामीण, इनसे पूछते हैं कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी में ज्वाइन होने के बाद कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली, ये लगा है सह की में फायदा कुलदीप गए का अपने मन तो किम दम लग गया कोनी, क्यों इब तो कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सरकार है। 5 साल पहले मारो गांव जिताया इसने, अच्छा वोटों में जिताया, कदी कांग्रेस ने कौन कुलदीप बिश्नोई कौन जिताया, भजनलाल तल्ला मार लिया, कौन जीतिया गल्डी पार्टी में जीतिया, अच्छा वोटों में जिताया। अच्छा, और ये गैल सी आयो महीने 20 दिन पहले गांव में गयो, पूरा 20 आदमी बैठा वे कौन खोली खंड नहीं टप गयो। अच्छा, बंगोरत 1 मिनट उतरना हो, आंख बनाओ कौन बनाओ गया, 20 आदमी बैठे मैं उधर कन्नी कौन देखा मिच के पार गए। ये भी क्या विचार लगा है, ये विचार भाई मारा मार तो मारा है, क्या बात है, क्या बात की, उसका छोरा खड़ा होगा भव्य है, हाँ तो भव्य है तो बंगो ये, हाँ और काम कुम कौन कराएगा कि मैं हूँ, काम मारा तो करिया कौन ही। अच्छा, कि आज तक करिया कौन ही, तो सदा कांग्रेस पार्टी बनने लगी तो तू बंगा गैला। अच्छा, बस लाल को पेंडो छोड़ियो को नहीं, मैं तो कदे अरे क्या है भाई, मन यो काम कराए को नहीं है, और डा मन है हमारा तो। अच्छा, फिर ये दल बदलू सौदा हो रहा, कदे बीजेपी ने मारी बताओ, कदे किमी बताओ, कदे किम बताओ, एक बार खिलाफ मैं इस गेंद में, फिर ये दल बदलू सौदा हो रहा, कदे बीजेपी ने मारी बताओ, कदे किमी बताओ, कदे किम बताओ, एक बार खिलाफ मैं इस गेंद में आचित्रिया। अच्छा, हाँ तो बता रहे उनका लड़का खड़े हो, चाहे आप खड़े हो, चाहे रेणुका खड़े करो, कहने की वोट आई कौन, ये कारण है, कारण ये है, ये भी यंग हालात हो रही बुरी हालात ये, और ये भी यहाँ डर बैठ गया, ये बात करे, ये चापा चुपा गिरवाओगे इसके, और है ये धीमा दे, हाँ और सबना बड़ी बात ये है कि पहले वो आपकी पार्टी बनाई है ना, 2-3 साल बाद में फिर बीजेपी में आ गया, जब बीजेपी बड़ी आई गला कांग्रेस में गया, अच्छी टिकट टाकट मिल गई, जीत गया, ये बड़ों दिक्कत हो गई, बीजेपी दूसरे का बढ़िया लगन लग गई, बीजेपी तो पार्टी शुरू की बढ़िया है, और किसने खड़ा कर दो बीजेपी में वोट देंगे, इसने वोट कौन देगा भाई। हाँ, और अगर कांग्रेस पार्टी की क्या हालात है अपने विचार करे तो, कांग्रेस में बीजेपी आ जाए तो एक ही नंबर का काम हो जाए। अच्छा, हाँ टक्कर दे सके, जीत दर्ज भी कर सके, 100% जीतता भाई, बार गोर भीतर हो गया, ये बाहर नहीं रहो है, विदेश में रहे हो, गाँव कद है, कुलदीप अच्छे वोटों से जीतेगा। अच्छा, राजनीति में भाई साहब जैसे कह रहे थे कि भाई ये दल बदलू हो गया, दल बदलू कौन नहीं है, स्वार्थ पे कौन नहीं टिका हुआ, अपने राजनीति में तो सारे स्वार्थी हैं, फिर स्वार्थी ने नया वोट दोगे तो किसी ने वोट फिर दो ही ना, नोटा दाब दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये हारेगा, ये जीतेगा, अच्छे वोटों से जीतेगा, बीजेपी का जो वोट बैंक है बिश्नोइयों का तो यहाँ लगभग 30-35% है ही, और बीजेपी का वोट जो एक्स्ट्रा है वो भी इसको आएगा। अच्छा, अपने गाँव के क्या हालात है, अपने गाँव में तो मतलब जीतने के चांस कम है यार। अच्छा, पिछली बार तो जीत प्राप्त, पिछली बार वो कांग्रेस से था, थोड़ा हमारे यहाँ वाद है जातिवाद, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उस वजह से उस मतलब एक जाति विशेष के वोट ज्यादा है और वो एक तरफ झुक जाते हैं। अच्छा, तो हम थोड़े कम हैं और वो थोड़े ज्यादा है, और उस वजह से थोड़ा सा भाई मुख्यमंत्री हुड्डा बनेगा, उस वजह से थोड़ा सा मतलब एक वो वाद काम कर, क्या कहना चाहो, ये कहे जातिवाद की बात है, वो वोट बैंक एक तरफ है तो फिर जितया कुकर वो, तो यहाँ मतलब धांधली जितया वो, नहीं धांधली नहीं, उस वक्त मतलब हमें जो मैं जिस जाति का नाम ले रहा हूँ आपको मतलब आप समझ रहे हो कि भी हमें मुख्यमंत्री उड़ा चाहिए था,
हमारे गांव को, उस वजह से भी एक विधायक कांग्रेस का बढ़े तो एक मजबूरी होगी वोट देना। मजबूरों में वोट दी गई है, योग्यता को देख के नहीं दी गई। आज तक जो चौधरी भजन लाल और कुलदीप पिछले इलेक्शन के सिवाय यहाँ काली राउंड गांव में कभी जीते नहीं। अच्छा, तो थोड़े वोटों से आ रहे होंगे। कुलदीप बिश्नोई का लड़का बिश्नोई खड़े होने वाले, कोई फर्क पड़ेगा ना? कोई फर्क कौन पड़ेगा, जीतेगा वो भी, कोई खड़े हो जैसे जीतेगा। तो बीजेपी पार्टी का इफेक्ट रहेगा कि भजन लाल परिवार का इफेक्ट रहेगा? एक तो भजन लाल परिवार का इफेक्ट है सबसे पहला तो, और दूसरा कुछ बीजेपी के लोग थोड़ा राष्ट्रवाद की तरफ भी बढ़ रहे। बता रहे हैं कि मंडी आदमपुर तहसील परिसर के अंदर किसानों ने आंदोलन कर रखा है, क्या उसका भी किमी इफेक्ट रहेगा? मैं नहीं समझता कि किसानों का कोई इफेक्ट रहेगा। किसानों का हमने पीछे भी देखा है, यूपी चुनाव देखा है, पंजाब का चुनाव देखा है, किसानों ने चुनाव भी लड़े हैं, उनकी सभी की जमानत जब्त हुई है। और ये जो इस तरह से जैसे आंदोलन करना हो, मैं समझता हूँ कि आंदोलन एक दिनचर्या में शामिल हो गया लोगों के, वहाँ मैं समझता हूँ कि मांग कम आंदोलन ज़्यादा। ये लोग आंदोलन जीवी हैं, उनको ज्यादातर मैं समझता हूँ कि जैसे अभी पिछले दिनों वो जो फौजियों के लिए जो लड़े थे भाई, फौजी जैसे भाई फौज का जो गवर्नमेंट ने किया है वो गलत किया है, और उसमें अनपढ़ लोग भी आंदोलन कर रहे थे अग्निवीर में। तो ये थोड़ा सा मैं नहीं समझता कि ये कोई मतलब इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली भाई, बिना पिंदिया लोटा किमी कर सके के विचार है गांव में, के माहौल चल रहा है वैसे? न्यू भाई गांव का माहौल का अपन पता को नहीं, गांव का माहौल का अपन पता को नहीं, पीछे चाहे जीते रहो, लेकिन अपन उस चीज ने पसंद कौन करा जब आदमी पीछे से बयान दिया करता बोला के बीजेपी से गंदी कोई पार्टी को नहीं हो, अगर जो कोई सुनता हो तो उसमें बच के रही हो, और वो खुद आज उसी ने ज्वाइन करने लग रहा है, तो मैं उस आदमी ने अच्छा कौन मानू, वो तो आगे उसकी समझ है। हाँ, तो ये मान के चलो कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट आवा कोई बता, चर्चा में है संपत सिंह, जयप्रकाश, जेपी, तो क्या लगता है टक्कर दे सके? अगर जेपी तो आओगा तो इसने हरा होगा, और अगर जो संपत आ गया संपत हार जाएगा। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी पार्टी का इफेक्ट रहेगा कुलदीप बिश्नोई का? भाई पार्टी का कोई इफेक्ट कौन मानू मैं, आदमी सभी का इफेक्ट है। अच्छा, हाँ, तो कुलदीप बिश्नोई ने वोट मिलेंगे, कुलदीप बिश्नोई का कारण ही मिलेगा तो वो उसके बाप के कारण मिलेंगे, कुलदीप का कारण कौन मिला? कुलदीप ने आज तक ऐसा कोई काम कौन कर रखा जो कुलदीप के इतना पीछे हुए पब्लिक, लेकिन उसके बाप है भजन लाल जी ने बहुत बढ़िया काम कर रखे है, उसी के गुण उसी के आधार पर उसने जो वोट है वो उसी के आधार पर मिले हैं, न के कुलदीप की छवि के ऊपर कौन मिले, वो उसके पिताजी की छवि के ऊपर मिलेंगे। हाँ, तो ये था काली रामन गांव का सर्वे, जहाँ युवाओं ने बुजुर्गों ने भी बताया है कि किस तरह क्या राय अपनी अपनी राय दी है, किस तरह कुलदीप बिश्नोई को जो वोट है मिल सकती है, किस तरह नहीं मिल सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।